तो मिला नहीं मुझे। मैं कुछ जुगाड़ करके पढ़ रहा था, बट इट इज टू हेवी। चार का अंदर मेरे को री कंप्लीट नहीं मिला है, साम जेजू एंड अथर्व मिला है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। Now, please carry on. Anybody more want to edit? जो समझ में नहीं आता हम उसको भगवान मान लेते हैं। यही क्रम हमारे वैदिकों का है, वेद शास्त्रों का है। वेद कुछ बातें हैं, आपको याद होगा एक संकल्प कराते हैं आपसे ब्राह्मण लोग, यो माधवाय नमः केशवाय नमः मामा ममा, आपका नाम बोले आप नाम बोलते हैं, आप गोत्र बोले गोत्र बोले, श्रुति श्रुति, स्मृति स्मृति, पुराणोत्तर पुराणोत्तर, वेदोत्तर वेदोत्तर, फल प्राप्त्यर्थम। तो पहला शब्द आता श्रुति, वेदों का कनेक्शन भी श्रुति से। चार भागों में बटे हुए वेद हैं जिनको चार नाम दिए गए, दे पुट अप द फोर नेम बाय हू वी डोंट नो, बट फर्स्ट ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, सामवेद, फर्स्ट इज द ऋग्वेद। उससे ही तीनों वेदों की आगे की परिकल्पना की गई, ऑल थ्री वेदास हैव बीन लिखे। व्हाट दे आर टीचिंग इन द ऋग्वेद व्हिच वी कैन नॉट अप्लाई इन दिस वर्ल्ड। मैं आपको एक बात बताऊं, सतयुग एक युग था हमारा जब वह काम करता। सतयुग में क्या होता था, जैसा हमने कह गया देवताओं का लोक अलग होता था, असुरों का लोक होता था, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या से मुक्त। उसके बाद दूसरा युग आया जिसको हमने त्रेता कहा। त्रेता तक रिश्ते व्यवहार सभ्यता जिंदा थी, लेकिन त्रेता में अहंकार वो क्रोध ने जन्म लिया। जिस प्रकार रावण, रावण अहंकारी था, हर चीज पाना चाहता। हमारे पांच विकार में से अहंकार त्रेता युग में आया। अहंकार त्रेता युग में आया लेकिन सभ्यता के साथ, लस नहीं था, काम वासना नहीं थी। सीता जी उनके दूर रखकर उन्होंने उनको स्पर्श भी नहीं किया, इन आंखों से अपनी मित्र भी नहीं पढ़ने दी। वही त्रेता युग जब द्वापर में आया तो उन्होंने सीमाएं पूरी खत्म कर दी। घर की बहू को नीलच किया गया, मतलब लालच और काम, काम को मैं इतना नहीं करूं, एक नीचा दिखाना, काम वाली बात नहीं थी। द्रौपदी को पाना चाहते थे लेकिन संस्कार तब भी थे, लेकिन नीलचता और लालच यह मिला हमें द्वापर से। और इस युग में हम जी रहे हैं जिसे हम कलयुग कहते हैं, इसमें पांचों एलिमेंट है। सबसे पहले आएगा काम, फिर क्रोध, अहंकार, लालच, पांचों एक समान अवेलेबल है। आप देखिए, मैं शास्त्रों की बात करूं, आप त्रेता युग में जाइए, रावण अहंकारी था, लेकिन सीमाओं में था, ही नॉट टच द सीता। यू गॉट इट माय पॉइंट? इन द द्वापर युग व्हेन द कृष्णा इज देयर ऑल बाउंड्रीज हैज बीन क्रॉस, बट अंटिल दैट देयर इज अ लिमिटेशन। बट इन द कलयुगा वी आर लिविंग इन द सब वर्ल्ड, इंटरनेट 50% इज यूजिंग फॉर द
वन कॉज इट इज कनेक्टेड विद द डायरेक्टली लस्ट एंड नाउ वन मोर थिंग एडेड इन द कलयुग एवरीबडी इज बिलीविंग इन द एग्जीक्यूशन नॉट ऑफ नॉलेज अपने आप को स्थापित करने में लगा है उसको ज्ञान होगा। देखिए मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूं शंकराचार्य जी थे शंकराचार्य जी ने शंकर को स्थापित किया शंकर के अलग अलग नाम लिखे शंकराचार्य पीछे चले शंकर भगवान का ज्ञान पहले चला। उसी युग में हमारे प्रभुपाद जी आए उन्होंने हमारे कृष्ण को स्थापित किया खुद को नहीं लेकिन आज हम 30 नवंबर 2023 ग्रेगरियन कैलेंडर के हिसाब से आज हम उस युग में रह रहे हैं जहां पर इन पांचों चीजों का समावेश और एक इंसान अपने आप में देवता और राक्षस दोनों को लेकर चलता है और कोई भी ज्ञान हो कोई भी नॉलेज एनी नॉलेज विद द हेल्प ऑफ दैट नॉलेज ही इज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ द टेम्परेरी 5 एलिमेंट बॉडी तो नॉलेज बिकम सेकेंडरी। उस युग में नॉलेज फर्स्ट होता था दे रिस्पेक्ट द नॉलेज दे बुक द होली बुक हेल्प ऑफ दैट सेकंड नंबर दे स्टेप दे आर एस्टेब्लिश बाय अदर्स। नाउ वी आर इन दिस युगा वेयर विद द हेल्प ऑफ एनी नॉलेज अदर योगा अदर आयुर्वेदिक नॉलेज आदि ज्योतिष नॉलेज आर एनी स्पिरिचुअल नॉलेज विथ द हेल्प ऑफ दैट नॉलेज पर्सन इज एस्टेब्लिश हिमसेल्फ फर्स्ट नॉलेज सेकंड। यू अंडरस्टैंड हैव यू गॉट इट माय पॉइंट। आज हम इस युग में रह रहे हैं यहां पर व्यक्ति अपने इस अस्थाई शरीर को स्थायित्व तो देने में लगा है वह जानता है मेरा शरीर अस्थाई है लेकिन मेरा नाम मेरे नाम के बिना लगना चाहिए मेरा नाम। अब वेद की बात करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। वेदों को तो लिखने वाला कोई था ही नहीं लेकिन वेदों में वह रसमय ज्ञान था जो कि उस युग के हिसाब से आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचा सकता था। मेरा मानना ऐसा है कि आज वैदिक ज्ञान के हम सुपात हैं ही नहीं। तो क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हैं। यस जो व्यक्ति आध्यात्मिक फील्ड में इन्वॉल्व है दो पीपल आर इन्वॉल्व इन द स्पिरिचुअल फील्ड दे नीड द हेल्प ऑफ वेदास। आज तो हमारे चार वेदा अलग बन गए वह हमारी प्रायोरिटीज। आज की तारीख में 99% पीपल हैव द डिफरेंट प्रायोरिटीज एंड 1% द प्रायोरिटीज दे वॉन्ट टू गेट देयर स्पिरिचुअल ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। बट नाउ डेज विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एवरीबडी इंक्लूसिव ग्रोथ बिकॉज एग्जाम रीड 4-5 लाइन। आइए आज हम बात करेंगे शुद्ध मुद्रा के बारे में। योग मुद्रा नो क्वालिफिकेशन नीडेड। पहले वो गुरु जो आपको वेदों के माध्यम शिक्षा देता था और जब तब सब चीजों से गुजरना पड़ता था वह जो चीज सिखा रहा है। तो आज एक YouTube चैनल खोल लिया टॉपिक उठा लिए आके गेंगुआ कपड़ा पहन लिया तिलक लगा लिया बैठ गए ओ आज हम लोग इस पर बात करेंगे। ये आ गए इनसे पूछो इनको कितना ज्ञान है क्योंकि यह आस्था का विषय है इसलिए प्रश्न करने का साहस हमको है ही नहीं।
ये सब 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 एक फेथ, एक बिलीव बिटवीन क्यों है? क्यों? क्योंकि कोई जानना चाहता नहीं, जैसा कि अभी दीनू जी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आया, कैसे समझ में आएगा? वो उस युग की बात थी, इस युग में कैसे समझ में आएंगे आप? आपके वेद तो आज की तारीख में अलग है, आपकी वेद आज की रोजी रोटी है, आज आपका वेद का प्राथमिकता आपका खाना पीना पहली प्रायोरिटी, मेरा खुद का मकान हो, मेरे को मेरा बच्चा कोई भूखा, मैं खुद भूखा नहीं रहूं, मुझे सोने को मिले, जब ये चीजें फुलफिल हो जाती है तो दूसरा वेद आ जाता है कि मैं पैसा कमाऊं, मेरी इच्छाएं पूरी करूं। इच्छाएं पूरी करने के बाद तीसरा वेद आ जाता है कि मैं जो मेरे को पब्लिक जाने, वॉन्ट टू अर्न फेम एंड अल्टीमेट द फोर वेदा इज रियलाइजेशन कि कम टू नो माई गॉड, नो बडी इज, लॉट ऑफ पीपल मेक ए लाइन टू मीट मी, नाउ आई एम बिकम ओल्डर, नो बडी इज बॉदरिंग अबाउट मी। उस चौथे वेद में उसको समझ में आता है ये जो मैंने किया निरर्थक किया। आप स्वर्ग नरक की बात करते हैं, आपके सामने आज स्वर्ग की परिभाषा कहता हूं, ऐसे बुजुर्ग माता पिता, दोस्त पेरेंट्स आर मोर देन 60, दे हैव देयर ओन अर्निंग सोर्सेस एंड एंजॉयिंग विद द फैमिली, दैट इज स्वर्ग। बट दोस्त हैव नॉट एनी फाइनेंशियल रिसोर्सेस आफ्टर रिटायरमेंट एज, नॉट गेटिंग एनी मंथली फंड और स्मॉल स्मॉल थिंग्स, दे हैव टू सी देयर सन फेस, नर्क मोस्ट ऑफ द केस। आई एम नॉट ब्रिंगिंग ऑल द सन डॉटर इन द सेम बोर्ड, नाउ डॉटर इज टेक केयरिंग टू मच इन दिस वर्ल्ड बेटर देन सन। नो आई हैव नो एक्सक्यूज टू से लाइक दिस, मुझे कोई दुख नहीं है कि आज के इस युग में कन्याएं अपने माता पिता का ज्यादा ध्यान रख रही, और आज पुरुष लड़का शादी के बाद वो स्वार्थ जाग जाता है, मेरी पत्नी, मेरा पैसा, मेरे बच्चे। कहां बात करेंगे हम इस युग में सुवेदों की, निसर्गज है, निरर्थक है। आज तो कोई क्षणिक वेदों में कुछ उपाय हो, कृष्णा गुरु जी बता दें, वो हम कर लें, फायदा पहुंच गया, बस नीड इंस्टेंट रिजल्ट। Nobody want to. You are seeking the knowledge. You have to learn from ABCD. आध्यात्म का आपको ABCD पढ़ना होगा। यह सीखा गया ABCD काम नहीं आएगा। दिनचर्या होती थी। क्या यू कैन यू फॉलो दैट दिनचर्या? सुबह संध्या होती थी। सुबह कितने बजे उठना, वह तो मैं आपसे कह के कर आपकी दिनचर्या थोड़ी एक उस तक पहुंचने लायक बता रहा हूं, पहुंचना भी नहीं, उस तक बना रहा हूं। वेद एक हमारी विरासत की अमूल धरोहर है, जो श्रुति मतलब ऊपर वाले के श्रवण से ऋषि मुनियों ने लिखे, ऋग्वेद तो न जाने कितने ऋषियों ने लिखे हैं, और यह हर धर्म कहता है, मैं ऐसा नहीं कि हमारे इस्लाम कहता है, वो हमारे अल्लाह ने, मोहम्मद अली साहब ने उनके कानों में कहा तो बंदों ने लिखा, चंद कहता है, उसकी वाइफ जाई उन्होंने के बंदों ने लिखा, हर चीज कहता है, पंथ कहता है, इसमें मैं ज्यादा उलझूंगा नहीं, हर धर्म यही कहता है, हर पंथ यही कहता है कि भाई उनको वाणी आई भगवान की, ऐसा मैं कभी कभी आपको कह देता हूँ, लेकिन मैं आपको ट्रुथ कहता हूं, मेरे को कोई डेकोरेशन नहीं करना आपके सामने, ना मेरा प्रदर्शन करना है। यस आई बिलीव बिकॉज आई एम गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम देयर, वेन आई सिट हियर आई नॉट अवेयर, जस्ट आई रीडेड अबाउट द वेदास बट मेरा मन नहीं हुआ। आज आपसे जो बात करो ना, ये सब संदेश के माध्यम से कर रहा हूं, कोई ना मैंने इसकी प्रिपरेशन करी, ना कैसे करूंगा, क्या बोलूंगा, क्या नहीं बोलूंगा,
सुरेंद्र का क्या नॉट एट ऑल। आज वैदिक ज्ञान लेने के पीछे हम किस क्लास में बैठे हैं, पहले उस क्लास का देखो। आज आप मुझसे मास्टर्स की डिग्री की बात करें और यू आर इन द प्राइमरी क्लास, हाउ आई कैन गिव द नॉलेज, ए हाईली लर्नेड दिनो से गुरु जी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इज सो मच है द स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको दूसरा शब्द कहूंगा कि समझ में नहीं आया, यह कहना भी अपने आप में आध्यात्म की गहराई तक पहुंचने वाला भी ऐसा बोल पाता है। अभी हम चारों वेद के नाम लिख नहीं सकते, चारों वेदों का क्रम जान नहीं सकते, मगर आपकी कोई प्रायरिटी चार बोले आप चार प्रायरिटी जरूर लिख देंगे, मेरा बच्चा ठीक हो जाए नंबर 1, मेरी बेटी की शादी हो जाए नंबर 2, घाट में गए ऋग्वेद यजुर्वेद विष्णु भगवत, बस इसके बीच में दो अवतार ऐसे हुए, एक राम और कृष्ण, जिसकी जीवन यात्रा आप जैसे आए थे 5 तत्व का शरीर, जिनकी जीवन कहानी एक रामायण के रूप में लिख दी गई, एक महाभारत के रूप में लिखी गई, और भगवत गीता में कृष्ण ने एक जो दृश्य बना, लोग कहते हैं बनाया, ये सब बातें निर्णय, वो दृश्य बना कि मेरे भाई बहनों से कैसे लड़ू, एक तो राम थे जो पिता के कहने पर मालूम था किसने बहकाया, उस माँ ने भी कुछ नहीं बोला, कौशल्या ने भी कुछ नहीं बोला, आप समझे इस बात को, त्रेता युग में कौशल्या का भी साहस नहीं गया कि दशरथ को मना कर दे, नहीं चुप रही, रिश्तों की संजीदगी वहां से सीखी जा सकती है। आप द्वापर में आए, द्वापर में एक घटना हुई, वो लड़ाई लड़ने नहीं जा रहा था, उसको लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया ऋतु ऋषादियों, आप लड़िए आपका कर्म है, यह सब कलयुग में इसीलिए प्रासंगिक है भगवत गीता, जो वर्तमान में सिचुएशन है उससे आप लड़ाई करो, उसके सबकॉन्शियस में मत जाओ, अगर सबकॉन्शियस में जाना है कपड़े पहनने के पहले सबकॉन्शियस का सोच लो। मैं सरल में बता दूं, अर्जुन ने यही कहा, एक क्षत्रिय के सैनिक की वेशभूषा पहनने के बाद वो विलाप करने लगा, ये चीज तो उसने पहले क्यों नहीं सोची, वो सैनिक के कपड़े नहीं पहनता, मुझे नहीं पहनना, मेरे को नहीं लड़ना मेरे भाइयों से, तो हो सकता महाभारत नहीं होती, तो ये नॉलेज आज अप्लाई कर सकते हैं आप अपने ऊपर। तो अगर आपने कपड़े पहन लिए, ड्रेस पहन लिया ऑफिस जाने के लिए, नो एक्सक्यूज यू टू गो, दैट्स व्हाई कृष्णा सेज एवरीथिंग इन फेयर इन लव एंड वार, कहीं ना कहीं आता है सर, वार वो कैसा भी हो कोई भी सामने हो, अगर आप तैयार होगा लड़ने को तो लड़ो, पैर तो मत दिखाओ। तो वेदों के ज्ञान से आपके आध्यात्मिक ग्रोथ, जिसको बड़े सरल सरल ढंग से, बड़े बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने अलग अलग ढंग से प्रेजेंट कर दिया है, बस आपकी उंगलियों की देर है गूगल, आज जो पूरी पिक्चर थी ऋग्वेद की वो अलग अलग रील के रूप में बन के आ गई आपके सामने, योग क्या है, आयुर्वेद क्या है, कौन सा क्या है, उससे भी ज्यादा डेवलप चले गए, आज आयुर्वेद के भरोसे रहते थे, आज आयुर्वेद से ज्यादा एलोपैथी आ गई, लोग उस ग्रह तक पहुंच गए, कृत्रिम उपकरण पहुंचा दिए, आयुर्वेद से बढ़ के कर दी कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट कर दे, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दे, आपका एक एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दे, हम उस दुनिया में आ गए। इस दुनिया में मेरे माध्यम से मैं वेदों को प्रणाम ही करना चाहूंगा कि वह उनके ज्ञान से हम यहां तक आए, मैं ये नहीं बोलूंगा उनको तिरस्कार, लेकिन हमारे वेदों का सदुपयोग जितना अच्छा जन के लोगों ने करा उतना अच्छा हम स्वयं नहीं कर पाए, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं। दोज ओवरसीज पीपल सरप्राइज विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेद सब 90 सोल्स ऑफ इनोवेशन,
बट वी आर अनेबल टू यूज अवर नॉलेज, इनिशियल नॉलेज, द रिचुअल ऑफ ऋषि मुनि विद द हेल्प ऑफ यू ऑल ऑफ यू आई एम ट्राइंग टू एस्टेब्लिश इन सब इन सच वे वेर वी कैन कैरी सम स्पिरिचुअल नॉलेज विद दैट. वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द बिलीविंग नवरात्रि ऑन द गरबा यू ड्रेस अप ब्यूटिफुली यू गो देयर नो बडी पॉथरिंग वॉट द मैसेज ऑफ द नवरात्रि वॉट द मैसेज ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स वॉट द मैसेज ऑफ द डिफरेंट गॉड. तो आज के सेशन में मैंने आपसे वेदों के बारे में बात की, लेकिन वेदों की बातें आज बात करूंगा आप भूल जाओगे, सिर्फ वही याद रखोगे जो आपकी जिंदगी हो और आज आप वही सुनना चाहते हो, वही समझना चाहते हो जो आप सुनना चाहते हो. आज मैं एक माँ के रूप में कैसे काम आ जाए गुरुजी की बात, एक पिता के रूप में कैसे काम आ जाए, मेरे पैसे कमाने में लोन हो रहा है उसमें, आदमी अधिकांश इसमें ही उलझा है और वो सही है, क्योंकि कलयुग को वर्क इज वर्शिप के नाम से जाना है. कलयुग को केवल नाम तिहारा कि तू नारायण करके एक बार नाम लेने का मेरा चल जाएगा. इस युग में हम वैदिक ज्ञान को संक्षिप्त तरीके से इसे ही समझें कि वैदिक ज्ञान था जिसके कारण आज हम यहां तक आए हैं. अब हमें उस वेदों को नहीं देखकर हम के बढ़ना है. वेदों में भी अलग अलग प्रकार की चिकित्सा है, चल चिकित्सा अलग प्रकार की, उन चिकित्साओं का मॉडिफाई रूप आज आप लोगों के बीच में है. यू वॉन्ट टू गो नेचुरोपैथी यू कैन गो द नेचुरोपैथी क्लास. If you want to go the Panchkarma Ayurveda, you can go any. Book your slot, pay 50-60,000 rupees, enjoy the 60 days. Every knowledge is sellable. If you want to learn meditation, lot of shops are there. Chakra healing, chakra, where we make the one guru take the room. Everything is very easily available, and especially on the YouTube, just put up all the but. I am very sorry to say that all are saying the different way. Somebody is saying the Rig Veda is like this. Somebody is saying itme itte shlok hai, isme shlok hai. The controversy is so much. Even Krishna Rig Veda, उस युग को भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से लिख दिया. तो अब हम तो कलयुग पुराण पे फोकस करेंगे, क्योंकि कलयुग पुराण केवल आपको आपकी प्राथमिकताओं से जोड़ता है, आपकी प्राथमिकताओं को पूरी करने के लिए शक्ति का दिलवाने का काम करेगा, उपायों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से. ये कभी मत सोचना गिल्ट है, जो वेद का ज्ञान दे रहे हैं ना, तो उसको भी वेद का ज्ञान है. आई एम वेरी इंप्रेस विद द दिनो कि मैं समझ नहीं पाया, और वाकई जो दे रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहे, वो पढ़कर आ रहे हैं, आठ आठ लाइन वेद का शल्क पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां. आज हम ऋग वेद के बारे में बात करेंगे. मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी द गुरु दक्षा फॉर डायरी. यू सब्सक्राइब माई चैनल, यू सब्सक्राइब द बेल आइकॉन, तो यू गेट इट वॉट ही वॉन्ट टू वायरल हिज वीडियो, नॉट बोथिंग अबाउट नॉलेज हाउ आई कैन गेट द अर्निंग, बट आई एम श्योर दोज पीपल आर इन द फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे साथ विंडो में है, दे आर रियली नॉलेज सीकर, ये नॉलेज जानना चाहते हैं. आज आप और हम मिलकर एक नए वेद की कल्पना करेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम वेद और अथर्व वेद. वेदों को संक्षिप्त बोलो, कुछ वेदों में पंथात्मक बताया, कुछ वेद कर्मकांडी थे, कुछ वेद भक्ति मार्गी थे, कुछ को चेंटिंग करके बताया, स्वर में बताया, सामवेद में कुछ उपाय दिए उसके हिसाब से बताया. लेकिन आज की तारीख में सभी वेदों की निचोड़ आपको छोटे छोटे नटशेल में अवेलेबल है. वेद तो आप एक पढ़ोगे इतना होगा कि आप पढ़ देखते ही आप बंद कर नहीं पढ़ना, बिकॉज आपका फॉल्ट नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट दैट टाइम, यू स्पॉइल सो मच टाइम. की पंच ऑफ द आयुर्वेदिक योद्धा, की पंच ऑफ फोर पॉइंट ऑफ ऋग्वेद, यू विल गेट. आज हम आप में मिल गिल्ट मत रखिएगा ये कि मुझे वेदों का ज्ञान नहीं, आपको जो बता रहा है उसको भी ज्ञान नहीं. आज आपको आपकी प्राथमिकता, योर प्रायोरिटी इज योर फर्स्ट, एंड यू हैव ऑल पावर टू फुलफिल, टू फाइट विद
विथ योर ओन मॉडरेशन एंड वरीज एंड एवरीबडी हैव द डिफरेंट डिफरेंट गॉड डिफरेंट लाइफ बिकॉज नो वन थम इंप्रेशन. इससे इट्स द बिगेस्ट मैसेज. ये बहुत बड़ा मैसेज है आदमी के लिए कि किसी का अंगूठा नहीं मिलता. फिंगरप्रिंट कितना बड़ा करिश्मा है. लाखों करोड़ों लोग, और यह एक विद्या भी है कंप्यूटर के माध्यम को देखकर जो आपके पूरे परिवार के बारे में बता देगा. ये आप लोग जानते होंगे, इट्स कॉल्ड नाड़ी विद्या. फ्रॉम योर थंब इंप्रेशन पर्सन कैन प्रिडक्ट योर फादर नेम, योर मदर नेम, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग. लाइंग 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 पीपल आर डूइंग, बट वॉट यूज. वन वही थिंग, वन होप, वन वोट डेट, फ्यू रेमेडीज. मैं हृदय को बता दू, हृदय तेरा नाम ये है, तेरे माता पिता का नाम ये है, सो एंड सो. वॉट यूज. दे आर पुटिंग टाइम टू स्टेब्लिश देमसेल्फ. वो हृदय को क्या मतलब है, हृदय का क्या फायदा. मैंने इसके हृदय के माता पिता का नाम बता दिया, पिता का नाम बता दिया, बता दिया. आप जॉब, अभी जॉब का कर रहे हो कोशिश, शिवानी शिवानी को बोल दिया तुम्हारी एक बेटी है, ये सब. वॉट यूज. बट हम उसको भगवान मान लेते हैं. अरे गुरु जी, मैं तो उनके पास बैठी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा नाम बोल दिया, मेरा ये बोल दिया, मेरा वो बोल दिया. ये छोटी छोटी चीजें यू कैन लर्न वेरी इजीली, सब्जेक्ट टू इफ यू चूज फॉर योर फर्दर लाइफ. अगर आपको लगता है अगर आप सीखोगे तो अपने आप को स्टेब्लिश कराने के लिए सीखोगे. जाओ आपके कर्म ऐसे कर जाओ कि लोग आपको याद रखें, इस हिसाब से याद नहीं रखें कि कुछ लोग बेनिफिटेड हो उससे, जैसे हम कर रहे हैं कलयुग पुराण के माध्यम से. मेरा पूरा विश्वास है, मेरा 1001% विश्वास है, आने वाले समय यही कलयुग पुराण का ज्ञान एक नए प्रकार के नए लोग लेकर बोलना चालू करेंगे. तो आज वैदिक परंपराओं में यज्ञ कैसे करते हैं, हवन कैसे करते हैं, आज जो पंडित आपके घर आ रहे हैं वो भी ज्ञान है. अगर उनसे पूछेंगे कि आपका गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, नहीं मालूम. अब मैं बोलूं गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में चौथे मंडल में ओम भूर्वस्व का जिक्र है, क्या मिलेगा आपको? आपको गायत्री मंत्र ही नहीं मालूम ओम भूर्वस्व क्या होता है. व्हाट इज यूज. अभी सबसे बड़ा हमारा भगवान है, सबसे बड़ा ईश्वर है, वह है आपका समय, योर टाइम. योर टाइम, यू रिस्पेक्ट योर टाइम. योर टाइम इज योर गॉड, योर प्रायोरिटीज योर एंजल. यू डिसाइड योर प्रायोरिटीज इज रिलेटेड टू द एंजल्स और योर प्रायोरिटीज रिलेटेड टू द डेविल क्वालिटीज. यस ओके. हमारे हिसाब से भी हमने जिस प्रकार आज की चर्चा करी, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या अलग अलग वेद अलग अलग युगों में आते गए, और इस युग में सभी चीजें एक साथ एक इंसान में अवेलेबल है. वह काम हो क्रोध जो समय समय पर आएगी, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या. लेकिन अभी भी समय ऐसा बचा हुआ है, पूरा दानवीकरण समाज का नहीं हुआ है, स्वार्थीकरण तो मैं बोलता हूं हो गया है. दानवीकरण मीन्स होल वर्ड इज अ सेल्फिश वर्ड. डेविल वर्ल्ड इज नॉट बिकम द लॉट ऑफ पीपल एंजल्स वर्ल्ड, बट द वर्ल्ड इज गोइंग टूअर्ड द डेविल. रिमेंबर, जस्ट गेस द क्वालिटीज ऑफ द डेविल पीपल आर कैरिंग द क्वालिटी ऑफ द एंजल्स एंड एंजल्स आर गेटिंग द क्वालिटी ऑफ डेविल. वो ब्राह्मण जो मंदिर के अंदर बैठता है उसका ध्यान भगवान से ज्यादा अपने जजमान पे रहता है कि मेरे को दक्षिणा कब देगा. वो दक्षिणा देगा अरे गौशाला में. क्या सोचते हो आप, ये सही दिशा में जा रहा है? जिसको एक भगवान के रूप में देते हैं कि हमारा जल ये चढ़ाकर मंदिर में चढ़ा देगा, जो भी करेगा वो स्वार्थ से जा रहा है कि जल चढ़ाते वक्त आते वो सोचेगा कितने पैसे देगा ये.
अगर आपने 1,000 रुपए दे दिए उसके हाथ में, तो वो यही चल लेकर, अरे ये भी लो, अंदर से आपके लिए वो हार उस सब चीजें लेके आएगा। और वही 100 रुपए दिए आपने, तो वहां पे कल्चर वही से इशारा करेगा कि हो गया। दिस इज द क्वालिटी ऑफ प्रिस्ट। कृष्ण, आर यू गेटिंग मी? एवरीवेयर आई एम नॉट ट्रेकिंग द साउथ टेम्पल्स आर वेरी, साउथ टेम्पल्स है लिटिल बिट, स्टिल द कल्चर आर रिमेनिंग इन द साउथ टेम्पल्स। यू पे द मनी, यू गेट द रिटर्न। माई प्रोग्राम हैज बीन पोस्टपोन्डेड फॉर द द्वारका सोमनाथ, आई एम स्टिल गेटिंग द कॉल फ्रॉम देम, गुरु जी वेन यू आर कमिंग, यू नो गुरु जी पर्सन कमिंग, मल्टी वी गेट अ गुड दक्षिणा, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग। आई नो देव नो लीव अफेक्ट, फर्स्ट टाइम आई कॉल्ड अप कि आई एम सपोज टू कम ऑन द 30th, मैं 30 तारीख को 29 को आ रहा हूँ दर्शन कराना। पंडित जो सोच रहता, पंडित को भगवान से नहीं मतलब, फिर साथ में बोल देता मुझको अभी एकादशी आ रही है, एकादशी को हमारे यहाँ अलग अलग श्रृंगार होते हैं, आप गुरु जी आपकी तरफ से भी करवा सकता हूँ, मुझे लगता है 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है। द्वारकाधीश की बात तो उसने मुझसे करी नहीं कि कभी द्वारकाधीश का अनुभव होता है, श्रृंगार का फोटो भेजे ये बताए। ये तो देखिए ना, महाकाल महाराज को आज की तरफ से अलग अलग उनके श्रृंगार का व्यवसायीकरण हो गया, और वो उसके साथ अलग अलग गाने डाल के कर दिया, मेरी नजरों में बसने वाले से गाने बना दिए और महाकाल को चला दिया, द रील इज बिकम वायरल। आज की तारीख में पूरा का पूरा सामवेद की ओर जा रहा है, जो संगीत के ऊपर डिपेंड करता है, पूरा संगीतमय हो गया। आज आध्यात्मिक बेचारा संगीतमय गया, जब तक डांसिंग नहीं हो तब तक वो नहीं, नाद नहीं हो जब तक नहीं। तो संगीत जो किस किसी समय में पलों के लिए अपने मन को संतुष्ट करने के लिए किया जाता था, आज वो संगीतमय, वो महाराज भी वेशभूषा में वो, और संगीत में मैं पूजा करूं, मैं मन की ढक 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 महाकाल ढक 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 ढक, वो संगीत सुनकर वो लोग महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। कहाँ ले आए हम, कहाँ बात करेंगे इस युग की। तो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द वेदास एंड इन इन दिस इरा वी आर अनेबल टू डू दैट प्रॉपर जस्टिस विद द वेदास डेफिनेशन, बट आपके जीवन के जो है पहला वेद तो आपके रोटी कपड़ा मकान, दूसरा वह शिक्षा आप उपयोग करते हो, इस आज का आपने जो बना रखा है कि मैंने पैसा कमा लिया, पैसा कमाने के बाद मुझे कोई देखे, मैंने नई गाड़ी खरीदी, और एक इल्यूजन वर्ड में रहना कि मेरे फेसबुक पे किसी ने कमेंट नहीं डाला, मेरे को पोस्ट नहीं डाला, मेरी इस वर्ड में हम आ गए, काल्पनिक दुनिया में हम जीवन जी रहे हैं, काल्पनिक प्रशंसाओं में हम जीवन जी रहे हैं, महाकाल के फोटो से हमारा कोई मतलब नहीं, जो गाना गा रहा है मतलब नहीं, वो जो गाना गा रहा है वो महाकाल का फोटो मिक्स करके एक रील बना दी, वो मेरी रील पे इतने व्यू आए, व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन, आप कुछ गाते उसमें, आप कुछ कहते तो बजाना। बट हमें इसी समाज में रहना है, हमें इसी युग में रहना है, वो इसके साथ रहना है, हम अलग अपने आप को नहीं कर सकते। तो आप अपनी प्रायोरिटी के साथ रहें, आपका भगवान, आपका रिस्पेक्ट, आपका टाइम, योर प्रायोरिटी इज योर मेन, बट जस्ट अवेयर योर प्रायोरिटी इज रिलेटेड टू द डेविल और एंजल क्वालिटीज। ओके, नमस्कार, कल एक और नए सब्जेक्ट के साथ हम चर्चा करेंगे। मैं आपसे जितना इस कलयुग पुराण के दौर प्रायोगिक बात करूं जो वाकई आपको समझ में आए और उस अप्लाई भी कर सके, मैं उन्हीं बातों पर ज्यादा ध्यान, मिलेंगे कल पूरा साढ़े 8।